हेलो किड्स, आज के इस वीडियो में हम L4 लोयन से ताजमहल बनाना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए जल्दी से आप सीख लीजिए। आपको एक पेपर लेना है, उसे ऐसे रखना है सही, फिर उसको लेफ्ट साइड में ऐसे मुड़ाना है, ठीक है? ऐसे मुड़ा दें, फिर पेपर के सेंटर से आपको L बनाना है। ऐसे यहाँ से एक सेंटर बनाना है और ऐसे न्यू लाइन खींचनी है, ठीक है? उसके बाद आप एक ऐसे L बना दें, L फॉर लोयन, ठीक है? फिर पेपर को वापस राइट साइड में ऐसे मुड़ा दें, ऐसे आपको मुड़ाना है। फिर आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है। अब आपको ये और ये लाइन दोनों बराबर रखनी है ऐसे, ठीक है? फिर एक बिंदी डॉट बनाना है यहाँ पर और एक डॉट यहाँ पर बनाना है। फिर उसको ऐसे मिलाना है, ऐसे आप मिला दें अच्छे से, ठीक है? उसके बाद एक डॉट यहाँ पर बनाएं, एक डॉट यहाँ पर बनाएं ऐसे सामने, और उसे भी अच्छे से ऐसे मिला दें। ऐसे आपको मिलाना है और यहाँ से भी आपको ऐसे मिलाना है, ऐसे आपको डॉट मिलाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर दो लाइंस ऐसे खींचनी है दोनों साइड। अब आप यहाँ पर भी ऐसे उन्हें मिला दें, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से ऐसे न्यू शेप बना दें, ऐसे एक शेप यहाँ पर भी ऐसे यूं मिला दें, ठीक है? उसके बाद आप एक यूं शेप बनाएं, ऐसे मिला दें, ऐसे आपको शेप मिलानी है। बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर उल्टा ऐसे यू बनाना है, दोनों साइड दो ऐसे यू बनाएं, एक यू यहां पर भी ऐसे बनाएं। अब आपको यहां पर दो ऐसे बॉक्स बनाने हैं, दो बॉक्स बन गए। फिर आपको यहां पर दो सेंटर में ऐसे लाइनें खींचनी है और उन्हें यहाँ पर ऐसे सेंटर में मिलाना है ऐसे, और एक ऐसी ही लाइन और मिलानी है ऐसे। देखिए आपका ताजमहल कितनी आसानी से बन गया। ऐसे आप दो लाइनें खींच दें, है ना? कितना आसान बनाना। चलिए इसमें हम कलर भरेंगे।